सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान नित्य प्रतिदिन गोपियों के घर जाके माखन चुराते हैं। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। सब बुलाती हैं, आज मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। भगवान बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाते हैं। ठाकुर जी माखन चोरी करके सबको स्वस्थ, सबको आनंद दे रहे हैं। एक दिन एक ग्वालियर के घर पहुंचे, वहां सत्यनारायण की पूजा थी, सत्यनारायण की पूजा। तो ग्वालियर सत्यनारायण की पूजा की तैयारी कर रही, तो भगवान ने जाके कहा, भाभी आज कहा घर में कहा हो रहे हो? अरे लाला आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी चल रही है। अच्छो भाभी मैं दर्शन कर लूं? लाला दर्शन तो कर लो पर दूर से करियो सत्यनारायण भगवान के, तुम नहाए धोए ना हो। अच्छा भाभी मैं दूर से करूंगा। और भगवान गए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद भगवान जाते जाते उस गोपी से कहा, बोले कथा में ध्यान दो, अरे भाभी तेरे सच के सत्यनारायण भगवान बैठे हैं, तू दर्शन कर ले। गोपी समझ गई कोई गड़बड़ होवे वाली है। महाराज गोपी भागी भागी गई और जाकर के कहा, देखा लाल कु भावे गुड़ गन्ना और बेर, और भावे आए सेंध कचरिया और बाबा बलहेर, नंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। बल्लभाचार्य जी के आठ कवि हुए, नंददास जी कवि थे। नंददास जी कहते हैं, नंददास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। गोपी ने जैसी पर्दा हटाया और क्या देखा, भगवान नारायण की मूर्ति की जगह दो कुतिया के बच्चे रखे थे, प्रेम जवल और राधे राधे। रोज नित्य सबको सुख दे रहे हैं। फल बेचने वाली आई, भगवान ने उसको भी भक्ति का वरदान दिया। महाराज आगे एक बकासुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया। नंद बाबा को मालूम पड़ा कि रोज असुर आके परेशान कर रहे हैं। नंद बाबा ने निश्चित किया कि हम गोकुल को छोड़ के अन्यत्र चले जाएंगे। देखिए ये है भगवान से प्रेम। नंद बाबा ने कहा कि हमारे कन्हैया पे परेशानी है, हम इस नगर में नहीं रहेंगे, अन्यत्र जाएंगे। तो जितने भी ब्रजवासी थे सब अपने महल अटारी छोड़कर और भगवान के साथ चल दिए। हम लोग अपना परिवार छोड़ के भी दर्शन करने नहीं जाते हैं, और आज ब्रजवासी अपना सर्वस्व त्याग कर और भगवान के साथ चल दिए। और जैसे ही भगवान वृंदावन का दर्शन किया और नंद बाबा, महाराज कन्हैया ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहेंगे। वृंदावन बताएं आपको, वृंदावन कोई 11 कोसी वृंदावन, 11 किलोमीटर का वृंदावन नहीं है। वृंदावन 25 कोसी वृंदावन है। नंदगांव बरसाना सब वृंदावन में आता है। तो भगवान के जो मित्र थे ब्रह्मान जी, इन्होंने अपनी ही राज्य में छोटा सा राज नंद बाबा को दे दिया। तो नंदगांव में बाबा ने अपना गांव बसाया, गांव का नाम पड़ा नंदगांव। वहां रहने लगे। पहला मिलन किशोरी राधा रानी से महाराज संकेत वन में हुआ, फिर प्रेम सरोवर पर हुआ। ये राधा कृष्ण की ब्रह्म वैवत पुराण की कथा, अलग भागवत से इतर कथा है। महाराज ठाकुर जी सबसे पहले बछड़े चराने के लिए गए, तो जाकर क्या देखा, वृंदावन में एक राक्षस था अगासुर नाम का। उसने अपना मुंह खोल रखा था। अगासुर का मतलब जानते हैं, अग माने पाप, पापों का जहां समूह हो जाए वही अगासुर बन जाता है। सभी ग्वाल वाल अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, उसने अपना मुख बंद किया। भगवान ने अपने शरीर का विशाल काया बढ़ाई और इसका उद्धार किया। ये लीला ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ ये तो परमात्मा है।